अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ जिससे अब तकरीबन 20 साल से उम्र की, हाँ जी हैरानगी की बात है, पहले 40 से उम्र के लोगों को ज़्यादा फूड एलर्जीज होती थी, फिर 35, फिर 30 और अब 20 साल से उम्र की मेजोरिटी लोगों को फूड एलर्जीज और फूड सेंसिटिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो आपकी फूड एलर्जी होती है वो आपकी फूड एलर्जी टेस्ट में डायग्नोज हो जाती है, लेकिन जो आपकी फूड सेंसिटिविटी होती है वो फूड एलर्जी से एक थोड़ी पीछे की स्टेट होती है, यानी आपको उस खाने से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो उसका इंडेक्स इतना होता नहीं है कि वो बायोकेमिकल लैब में टेस्ट में डायग्नोज हो जाए। तो उसका इंडेक्स क्या है, उसको आप कैसे पहचानेंगे, उसको आप अपनी बॉडी से खुद पहचानेंगे, आपका जिस्म आपके सिम्टम्स आपको बताएंगे कि कहीं आप उससे एलर्जिक हैं या नहीं है। अब अगर आपको डेली बेसिस पे आपकी रूटीन में आपके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, आप ठीक तरह फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जॉइंट पेन्स रहती हैं, ब्लोटिंग रहती है, गैस रहती है, कभी बहुत सख्त डायरिया हो जाता है, कभी बहुत सख्त कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और नींद बहुत ज़्यादा आती है ख़ास करके खाना खाने के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 200% आपको फूड एलर्जीज़ हैं और फूड सेंसिटिविटीज़ हैं। अब इस केस में कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, सॉरी जी मुझे शीशा देखने का बहुत शौक़ है, हाँ जी, इस केस में कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको आपने एलिमिनेट करना है हर हाल में। तकरीबन 95% ऑफ द केसेस में जब आपको फूड एलर्जीज़ या फूड सेंसिटिविटीज़ होंगी, अगर इन मंदरजा ज़ेल ग्रुप्स को आप निकालेंगे बाहर तो आपकी वो फूड एलर्जीज ठीक हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले ग्लूटेन आ जाता है, फिर डेरी आ जाता है, फिर सोया आ जाता है, फिर कॉर्न आ जाता है आपके पास। आपके पास ग्लूटेन और डेरी में दो प्रोटीन मौजूद, ग्लूटेन खुद एक प्रोटीन है और डेरी में आपके पास एनिमल डेरी में एक प्रोटीन मौजूद होता है केजीन, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और नॉर्मली तो अगर आपका गट ठीक है, आपकी गट की लाइनिंग में होल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको फूड एलर्जीज और फूड सेंसिटिविटीज़ है और आपकी गट की लाइनिंग में होल हो गया है तो ये लीक होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाएंगे, तो आप जब भी डेरी और ग्लूटेन लेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। अब डेरी इंडस्ट्री कभी भी नहीं चाहेगी कि आपको ये पता लगे कि डेरी ना लेने से आपकी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी, कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं दुनिया में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, इतने ग्रीन पाउडर्स तो मेरे हैं, मेरा करेला पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, मेरा आंवला पाउडर है, जिनको डेली बेसिस में अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स अपनी डाइट में आप हासिल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद मेरा ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन है, ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन है, जिसमें ग्राइंडेड नट्स और सीड्स हैं, 100% ऑर्गेनिक है, फूड बेस्ड है, कोई केमिकल नहीं है, तो वो भी आपके पास सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है। मेरी ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है शिपमेंट का, जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का ऑर्डर आ रहा है, आप वहाँ से लिंक आ रहा है www.holisticwisdom.com, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। एनीवेज, अब इन चीज़ों से भी आप अपना कैल्शियम पूरा कर सकते हैं अगर आपको डेरी सूट नहीं करी, और अगर आपको डेरी सूट नहीं करी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ब्लोटिंग हो, गैस हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो जाए, आपको ब्रेन फॉग भी हो सकती है, आपको बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पेन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकती है और आप उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ग्लूटेन जो है आपके पास, अगर आपको गट का थोड़ा सा भी मसला है ना, मैं आपको बता दूँ तो ग्लूटेन चीरे लगा देगा आपके गट में, इट विल टीयर अप योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और मेरे ख्याल से अब तकरीबन 65-75% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ग्लूटेन एज इट इज़ खुद तो बहुत बुरा नहीं था, लेकिन ग्लूटेन को जंक फूड इंडस्ट्री ने इतना मॉडिफाई करके इतनी सारी इकसाम में इस्तेमाल किया, बेकरीज में, पास्ताज में, प्रोडक्ट्स में, कि वो बॉडी का इतना मॉडिफाइड और इतने टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ग्लूटेन से, चेंज फॉर्म ऑफ ग्लूटेन से एक्सपोजर है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ नॉर्मल ग्लूटेन पे भी ऐसे करके पड़ती है, उसको भी रिएक्ट करती है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि वो सारे लोग जिनको ग्लूटेन फ्री आटे की तलाश थी, मैंने अपना 100% ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री आटा लॉन्च किया है, वो अब लॉन्च हो चुका है। और थायराइड के पेशेंट्स के लिए मैंने अपना ग्लूटेन फ्री किनवा फ्लावर लॉन्च किया है, वो भी आप मेरी वेबसाइट से चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट सारे लोगों को जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, उनके जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक तरह सोच नहीं पाते, एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, वो सारे खाने के बाद नींद आ जाती है, ये सारा ग्लूटेन फ्री आटा आप लोगों के लिए, बल्कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए भी है, जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है बिकॉज इसका फाइबर कंटेंट हाई है, ज़बरदस्त है, ये आप सबके लिए भी। और आप सारे लोग जो अपने बच्चों का दिमाग तेज़ करना चाहते हैं, मेरे आटे में जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, आटे के कॉन्टेंट्स में पढ़िएगा कितने सारे मैंने नट्स और सीड्स और दिमाग तेज़ करने वाला मोरिंगा पाउडर भी ऐड किया हुआ, तो आपके बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा प्रोडक्ट आपके पास सोया है, और सोया की खतरनाक होने की रीज़न भी वही है जो ग्लूटेन के खतरनाक होने की रीज़न है, सोए को बहुत फॉर्म से मॉडिफाई करके जंक फूड इंडस्ट्री ने इस्तेमाल किया है, जिसमें आपके पास चिप्स, बिस्किट्स, खास करके ये सारे जो
चिप्स वगैरह के पैकेट्स मिलते हैं, निमको वगैरह, और जंक फूड इंडस्ट्री और चाइनीज़ फूड शामिल है, तो उस तरह से सोया से भी आप एलर्जिक हैं, एंड सेम गोज़ फॉर कॉर्न. अब अगर आपको ज़रा सी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग है, तो इसका मतलब है कि आपको फूड एलर्जी. इन चारों ग्रुप्स को 90 दिन के लिए आपने अपनी डाइट से निकाल देना है, क्योंकि कम से कम 90 दिन लगते हैं गट लाइनिंग हील होना शुरू होने में. फिर 90 दिन बाद एक एक चीज़ करके आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, कॉर्न, सोया, ग्लूटेन और डेयरी. और जिस चीज़ को वापस इंक्लूड करने से आपको सिम्टम वापस आते हैं, आपको पता लग जाएगा इन चारों चीज़ों में आपको उसको प्रॉब्लम है, उसको हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज़ कह देना है, और कम से कम 6 महीने के लिए. उसके बाद हो सकता है आपकी एलर्जी रिवर्स हो जाए और जिंदगी सुकून में आ जाएगी. आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी. आई सी ऑल अगेन विद यट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह.